सो वही कहीं सभी लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ दो शेडर पैक, दो क्या तीन होने वाले हैं, लेकिन मतलब मैंने दो को ही तीन बना दिया है, लेकिन हाँ काफ़ी सही शेडर पैक होने वाले हैं जो कि चलेंगे तुम्हारे माइनक्राफ्ट पैच के अंदर। नॉर्मल पैच में नहीं चलेंगे भाई, मतलब नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं चलेंगे, नॉर्मल वाले माइनक्राफ्ट के अंदर तुम लोग ये शेडर पैक तो आगे नहीं खेल सकते हो, क्योंकि जब से नया वाला माइनक्राफ्ट आया ना तब से उसके अंदर एंडर ड्रैगन सपोर्ट कर दिया गया है, तो अब उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे शेडर्स नहीं चल पाते। तो एक जो नया पैच वाला माइनक्राफ्ट होता है उसके अंदर तुम लोग ये वाले शेडर्स खिला सकते हो। अब मैं तुम लोग को लेकर चलता हूँ सीधा करना क्या, तुम लोग को करना कुछ नहीं है, नीचे तुम लोग को माइनक्राफ्ट पैच का भी डाउनलोड मिल जाएगा लिंक, और तुम लोग को सारे शेडर्स के भी डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे या तो कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में, और तुम लोग को वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद तुम लोग उन चीज़ों को एक्टिवेट कर लेना, सीधा MMC पैक होगा उसको डायरेक्टली जेड आचीवर या कोई भी फाइल मैनेजर ओपन करके उसके बाद टैप करके माइनक्राफ्ट में ओपन कर लेना MC पैक को माइनक्राफ्ट पैच के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो उसके अंदर .zip लगा होगा तो उसको रीनेम करके .zip को हटा देना, उसके बाद उसको ओपन करना तो हो जाएगा। तो पहला शेडर हमारा ये वाला है न्यूबी एक्स लेगेसी, ठीक है। तो इसके अंदर ना मेरे को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी तो मैं ये तुम लोग को दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो इसके अंदर चंक लोडिंग जो एनिमेशन है वो मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है इस शेडर के अंदर, और इस शेडर के अंदर मेरे को ना इसका मतलब लो एंड ग्राफिक्स मतलब लो एंड डिवाइसेस में भी चल जाता है काफ़ी अच्छे से और लैग भी नहीं होता, इसलिए मैंने ये वाला शेडर पैक सबसे पहले दिया तुम लोग को। दूसरा वाला जो शेडर पैक है वो थोड़ा सा हाई एंड है, ठीक है, वो मतलब काफ़ी खतरनाक लेवल का भी है, तो काफ़ी मतलब भाई देखो क्वालिटी मिल रही तो तुम लोग को थोड़ा तो उसके अंदर सही करना पड़ेगा ना, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये रहा भाई हमारा वाला शेडर भाई, ये जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शेडर, तुम लोग इसे कलर्स देख सकते हो, ब्राइटनेस देख सकते हो, और ये देखो भाई इस चीज़ की बात कर रहा है, जो चंक लोडिंग एनिमेशन है ना, ये जो नीचे से ऊपर को आते हैं चंक्स वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये वाला शेडर जोड़ा। वैसे भी मतलब शेडर ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाऊँगा ना, ये देखो नीचे से जो ऐसे हल्का था ऊपर को आते हैं ना शेडर मतलब वो चंक्स, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है देखने में। और बाकी तुम लोग इसका तुम क्लाउड्स वगैरह देख सकते हो, इस आसमान वगैरह देख सकते हो, कलर और सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है शेडर के अंदर, ठीक है। और कम मैं तुम लोग का वाटर दिखा देता हूँ इसका, ये देखो ऐसे देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा बहुत सेटिस्फाइंग सा लगता है भाई ये चीज़। तो अभी नीचे चलते हैं, तुम लोग को पानी दिखाता हूँ मैं इसका, तो पानी में एक हल्का सा इफेक्ट है जो कि तुम लोग को देखने में दिखेगा जिसकी वजह से लैग भी कम होता है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। और बाकी इसके अंदर ना वेविंग ग्रास वेविंग लीव सब कुछ देखने को मिलता है तुम लोग को, वेविंग लैंटर्न तक की देखने को मिलता है, और मैं वाटर के अंदर भी दिखा देता हूँ तुम लोग को इसके बाद क्या है। वाटर के अंदर ना आप लोगों को वेविंग चीज़ें मिलेंगी, मतलब तुम लोग पानी के अंदर जाओगे तो हल्का कुछ वेव भी होगा, तो तुम लोग का साइट भी हल्का हल्का सा वेव होने वाला है, ये देख सकते हो तुम लोग अभी नीचे को मैं आ गया हूँ, ये देखो हल्का हल्का सा जो वेव हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसके अंदर तुम लोग को मिलता है ग्लोइंग गोर्स वाला टेक्सचर पैक, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ यहाँ पे कोई भी ओर ले लेता हूँ, और तुम लोग को ना इसके अंदर और ढूंढने में दिक्कत नहीं होने वाली KF वगैरह में अंधेरे में, क्योंकि ये अपने आप से ग्लो करेंगे तो तुम लोग को दूर से दिख जाएंगे कि यहाँ पे ये वाला ओर है, जाके इसको मैं ले लूँ भाई, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा शेडर पैक, मैं तो इसको नॉर्मली लगा के खेलने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हाँ इसके अंदर तुम लोग को थोड़ा बहुत और चीज़ें भी दिखा देता हूँ, इसका स्काई देख लो, सो ये ऐसा सा स्काई है इसका, और ये क्लाउड्स ऐसे कुछ देखने में लिखते, और मैं तुम लोग को नाइट भी दिखाता हूँ इसकी, ये रही भाई नाइट, इसकी नाइट काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन फिर भी एट द एंड काफ़ी सही लगता है इसका आसमान, काफ़ी बढ़िया सा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और नीचे में तुम लोग देखोगे पहले तो ऊपर ये मून देख लो, इसका मून थोड़ा सा क्यूबिक टाइप का काफ़ी सही लगता है। और अगर नीचे आ जाए तो मैं तुम लोग को लाइट्स वगैरह दिखाता हूँ इसकी, तो पहले तो रात में देखो ये और कैसे दिखते हैं, और मैं लाइट वगैरह दिखाता हूँ, तो भाई टॉर्च की लाइटिंग कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, और बाकी तुम लोग को लैंटर्न दिखाता हूँ, लैंटर्न की लाइटिंग ऐसी है। और वेविंग ग्रास वगैरह मैं बता रहा था, ये देख सकते हो तुम लोग इसे ना वेविंग ग्रास है। अब मैं तुम लोग को लैंटर्न भी दिखा देता हूँ कैसे वेव करता है, पहले दिन कर देते हैं हम लोग, और लैंटर्न को लेकर चलते कहीं पर लगाने के लिए, पेड़ों में लगा देते चलते, चलो पेड़ का एक टहनी तोड़ के ऐसी है। तो ये देखो इसके अंदर तुम लोग को मैं बता रहा ना, हल्का सा वेव है, एकदम जरा सा वेव है, ज़्यादा वेव नहीं आता है, ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से लैग भी काफ़ी कम हो जाता है इससे लैग। और बाकी वाटर का रिफ्लेक्शन वगैरह देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही है, और मैं इसको लगा के भी दिखाता हूँ तुम लोग को कहीं पर कोई सके, ये देखो। और इसके अंदर ना एक और चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी, इसकी जो शेप है ना, इसका जो टेक्सचर है, मतलब काफ़ी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये टेक्सचर, और इसको मैं लगा के अगर तुम लोग को दिखाऊँ तो ये देखो भाई इसके अंदर ये जो वेव आता है ना, इससे तुम्हारा शेडर के मतलब इससे छोटी छोटी चीज़ें ना शेडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऐड कर देती है। इसी शेडर का एक और वर्जन है जो जिसके अंदर ऑलवेज रिफ्लेक्शन है, जिससे कि तुम्हारी जो चीज़ें ना वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी, मतलब ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जो फ्लोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा भीगा भीगा सा है, मतलब देख सकते हो ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे शाइन कर रहा है, जो कि मतलब RTX जैसा लगता है काफ़ी, क्योंकि RTX में भी तुम लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा नीचे फ्लोर जो है ना शाइनिंग जैसा ऐसा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा था। तो ये वाला शेडर भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है जो कि पिछले वाले शेडर में थी, उसी का शेडर है, पर इसके अंदर ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑन है, जिससे कि तुम लोग को ज़मीन पर रिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलेगी, और काफ़ी सही शेडर है, तुम लोग इसको ट्राई जरूर से करना। अब चलते हम लोग अपने नंबर 1 वाले शेडर पर,
तो भाई ये रहा हमारा दूसरा शेडर जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके अंदर तुम लोग को ना देखो एक तो वेविंग ग्रास देखने को मिलती है, वेविंग लीव देखने को मिलती है, हर एक चीज़ की शेडो देखने को मिलती है और इसके कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा सही है। बस ये ना थोड़ा सा हाई एंड शेडर है, तो कोशिश करना इसको 6 GB रैम में खेलना। अगर 4 GB रैम में खेल दो तो रिकॉर्डिंग मत करना, वरना तुम लोग का काफ़ी ज़्यादा लैग होगा। और चंक्स अपने थोड़े कम करके खेलना जिससे कि तुम्हारा लैग कम हो और काफ़ी स्मूथ चले तुम्हारा गेम। बाकी तुमने देखा तो इसमें शेडो वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती देखने में, और उससे भी अच्छा लगता है इसका वाटर, वाटर में जो रिफ्लेक्शन आती है ना भाई, वाटर की वजह से थोड़ा बहुत लैग तो होता है। वैसे मैं भी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और गेम भी खेल रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अगर 6 GB रैम में खेलोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। और मेरे में तो काफ़ी कम लैग हो रहा है भाई, तुमने देख सकते हो। तो इसका वाटर रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा सही है, इसके अंदर एक एक चीज़ की रिफ्लेक्शन आती है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लैग होता है। और तुमने देख सकते हो एक एक क्लाउड की रिफ्लेक्शन आ रही है, आता है कि सन की भी रिफ्लेक्शन आ रही है जो कि मेरे पीछे है, बट इसके अंदर खुद की रिफ्लेक्शन नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, उतना चलेगा भाई, वाटर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर रात में तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये तुम लोगों को मैं अगर रात में दिखाऊँ ना भाई, रात में तो इतना ज़्यादा ही बढ़िया लगता है, तुम लोग देख सकते हो। इसकी क्लाउड्स इतने सही लग रहे हैं और ये मैंने काफ़ी अच्छी सीनरी लग रही है, ऐसा लग रहा है इसको मैं अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसका वाटर। तुम लोग देख सकते हो वाटर एकदम साफ लग रहा है, ऐसा नीचे लग रहा है कि किसी ने मिरर लगा दिया भाई। और तुम लोग देख सकते हो एक एक क्लाउड के नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका स्काई भी काफ़ी सही है और तुम लोग मून देख सकते हो, इसका काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। रात में तुम लोग को इधर उधर देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगी। और मैं तुम लोग को अगर यहाँ की इसकी लाइटिंग वगैरह से भी दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की लाइटिंग है, इसके अंदर तुम लोग को वेव हल्का सा भी नहीं देखने को मिलता है तुम लोग को लैंटर्न के अंदर, खाली सिर्फ इसके अंदर प्लांट्स वगैरह वेव करते हैं और कुछ चीज़ें वेव नहीं करती हैं वहाँ। लेकिन इसका वाटर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो इसका प्लस पॉइंट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। और ये जो शेड लाइन ये देख रहे हो ना भाई, शेडो वगैरह कितनी ज़्यादा अच्छी आती भाई, क्लियर रिफ्लेक्शन आती, काफ़ी अच्छा शेडर लगा मेरे को। बाकी हाँ आशीन में बताएगा तुम लोग को, अगर आज की वीडियो लाइक करना और जो भी डाउनलोड लिंक्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स में होंगी, तो जाकर डाउनलोड करके जरूर से एक बार इसको ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो भाई आशीन में बताइए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।